हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलईडी टॉर्च को कैसे ओपन करें और इसको कैसे वापस सारे पार्ट्स को लगाना है। इसकी सहायता से आप कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब हो जाए तो उसको आसानी से बदल भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उसको जो स्लॉट है इधर की तरफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करें और धीरे धीरे इसको चारों तरफ से हल्का हल्का ऊपर उठाएं। ज़्यादा ताकत नहीं लगाएं, अदरवाइज़ ये डैमेज हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ। जब ये थोड़ा सा भार आ जाए तब आपको क्या करना है, जो पुश बटन है इसका रबड़ का टुकड़ा थोड़ा सा अंदर पुश करके इसमें आप एक वायर डाल सकते हैं। तो देखिए अभी एक इसमें वायर डालने की जगह बन चुकी है और अब इसमें एक पतला सा वायर में डालकर इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुश करूँगा। ऊपर की तरफ जब पुश करें तो बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाएं, आराम से खींचें इसको। तो ये देखिए आराम से इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। इसके बाद इसके जो आगे का हिस्सा है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करें, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं नहीं लगाएं, नहीं तो इसके अंदर का वायर टूट सकता है। देखिए अगर आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो जो अंदर इसके वायर कनेक्ट हैं वो डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद ये जो प्लास्टिक का कैप है इसको आप उंगली से आगे की तरफ पुश करें तो ये लेंस भी बाहर निकल आएगा। अब इसकी बैटरी को उंगली से अंदर की तरफ पुश करें। अगर आपकी उंगली नहीं जा पा रही है तो आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं देखिए इसमें बाहर नहीं निकल रहा है, इसमें एक ये डबल साइड टेप निकलता है। अभी देखिए स्क्रू ड्राइवर से पुश करके से बाहर आ जाएगी इसमें, लेकिन आपको रेड वायर जो है थोड़ा सा डीसोल्डिंग करके बाहर हटाना पड़ेगा। यही वाला वायर, इसको पहले आप डीसोल्डिंग करके हटा लीजिए, क्योंकि इसमें जो वायर है ये रेड वाला थोड़ा छोटा होता है तो बाहर निकलने में प्रॉब्लम कर सकता है। ये देखिए बाहर आ चुकी है। इसकी जो आगे की कैप है इसको अलग करने के लिए हमको यहाँ से दो वायर इसके जो आगे से कनेक्ट हैं ये हटाने पड़ेंगे यहाँ से डीसोल्डरिंग करके। तो इसको मैं पहले डीसोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये दोनों वायर मैंने डीसोल्डरिंग कर लिए हैं। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा पुश करें, बाहर निकाल लें, इसका जो प्लास्टिक का होल्डर है ये भी बाहर आ जाता है। इसमें बीच में देखिए एक LED लगी हुई है जिससे आप टॉर्च लाइट जलती है। इसके ब्लैक वाले वायर को भी डिसोल्डर कर लेते हैं। अब मैं आपको ये जो बीच वाली लाइट है इसको निकालने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। तो पीछे की तरफ से स्क्रू ड्राइवर लगा के थोड़ा सा इसके ग्लास को ऊपर की तरफ उठाएं, हल्का सा ही पुश करें। ये देखिए आराम से निकल आया। अब इसको पीछे की तरफ खींचें हल्का सा, देखिए बाहर आ गया। और इसको ग्लास को ऊपर की तरफ से अलग करके ये देखिए ऐसे आप अलग कर लीजिए। इसके बाद इसको अंदर की तरफ से स्लाइड करके आराम से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा ये सारे पार्ट्स आपके अलग अलग हो गए। आपको बैटरी चेंज करनी है या फिर आपको कभी ये लाइट चेंज करनी है, कोई भी पार्ट्स इसमें चेंज करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ वापस सारी चीज़ें।
इसमें आपको इसका जो सॉकेट है चार्जिंग सॉकेट, इसको लगाने के लिए इसके जो बैक साइड का एक कवर आपने सबसे पहले निकाला था, इसमें कॉर्नर पे थोड़े से स्लॉट बने होते हैं, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें ये आप बिठा दें इसके चारों कॉर्नर को, ये देखिए, ये अगर इसमें सही से बैठ जाएंगे तभी ये देखिए, ये आपको कॉर्नर थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये चारों कॉर्नर पर होता है। इसको आप बिठा लीजिए पहले, और इससे पहले आप पुश बटन जो रबड़ वाला है इसमें इस स्लॉट के साथ इस होल को भी मिला लीजिए। इस मिलाते हुए इसको धीरे से पुश कीजिए तो ये आराम से इसमें बैठ जाएगा। आप इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं करें अदरवाइज़, और इसको लगाने से पहले जो आपका डबल साइड टेप होता है वो पहले रख दीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें शॉर्ट होने का चांस रहेगा। अब आप देखिए आराम से मैंने इसको पुश कर दिया है, अब ये बढ़िया तरीके से लग गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए पहले मैं इसको चेक कर लूँ ये सारा सही काम कर रहा है, क्योंकि सारा कुछ लॉक करने के बाद फिर आप बाद में अगर कोई वायर टूट गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर सारा खोलना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये थोड़ा सा इसके प्लास्टिक वाले कैप के ऊपर की तरफ इसमें हल्का सा फंसाना है। इसके बाद एक आपको पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है, ये पीवीसी पाइप का टुकड़ा आप इसके साइज के हिसाब से देख लें, ये मैंने लगभग 19 mm के आसपास लिया हुआ है। तो आप इसको लगा के पुश कीजिए, इसकी लाइट थोड़ा बटन दब गया है, इसको बंद कर लेता हूँ। इसको लगा के आप आगे की तरफ दोनों पुश कीजिए, तो ये क्या होगा, आगे की तरफ पुश करने के बाद ये इसमें फंस जाएगा, और फंसने के बाद ये देखिए आराम से निकलेगा नहीं बाहर। और ये देख सकते हैं आप, ये फ्लश एडजस्ट करने के काम आता है, इसलिए आगे पीछे हो रहा है। अब इसमें ऊपर से लेंस रख दीजिए, और लेंस रखने से के बाद ये आगे की तरफ पुश करके लेंस को दबाइए, चारों तरफ से इक्वल दबाइए, और ये अब फिट हो चुकी है। अब इसमें ये स्ट्रिप लगा देते हैं, और इस स्ट्रिप को लगा के मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके तीनों फंक्शन सही से काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।